हम सभी को पता है कि कैंसर के ट्रीटमेंट का जो लेटेस्ट और मोस्ट एडवांस थेरेपी है उसे कैंसर इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं पर क्या आप जानते हैं कि इम्यूनोथेरेपी के भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जो कुछ केस में डेंजरस भी हो सकते हैं नमस्कार मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता एम बी बी एस एम डी एंड डी एम फ्रॉफ एम्स न्यू डेली और मैं दिल्ली में स्थित कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑनकोलॉजिस्ट हूँ तो फ्रेंड्स चैनल के रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं कि हम इम्यूनोथेरेपी की फ्रिक्वेंटली बात करते हैं और इम्यूनोथेरेपी कैंसर के ट्रीटमेंट फैमिली का न्यूएस्ट मेंबर है और जो हमने लास्ट फाइव टू सिक्स ईयर्स में देखा है वो ये देखा है कि एक के बाद एक डिफरेंट कैंसर में इम्यूनोथेरेपी आया है और उसे कैंसर के ट्रीटमेंट को कम्पलीट रिवल्यूशनाइज कर दिया है कई कैंसर जो मात्र पाँच छः साल पहले फेटल या टर्मिनल माने जाते थे आज के दिन इम्यूनोथेरेपी से क्योरेबल माने जाते हैं जिनमें रूटीनली लॉन्ग टर्म सर्वाइवल देखा जाता है पर एक चीज़ जो आपने हमारे हर कैंसर वीडियो में नोटिस किया होगा वो ये है कि हम हमेशा ये कमेंट करते हैं कि इम्यूनोथेरेपी किसी एक्सपीरियंस मेडिकल ओकोलॉजी के सुपरविजन में ही किया जाना चाहिए और इन एक्सपीरियंस हैंड्स में इम्यूनोथेरेपी सेफ नहीं है तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस रिकमेंडेशन का रीजन क्या है एंड वाई इम्यूनोथेरेपी रिक्वायर्स एक्सपीरियंस मेडिकल अंकोलॉजिस्ट और इस रीज़न को हम बोलते हैं इम्यून रिलेटेड अवर्स इवेंट्स यानी आई तो फ्रेंड्स आई होते हैं इम्यूनोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स और ये वो साइड इफेक्ट्स हैं जो हर पेशेंट में नहीं होते पर कुछ पेशेंट में हो सकते हैं और कुछ में इतने सिवियर भी हो सकते हैं कि पेशेंट के लिए डेंजरस या लाइफ थ्रेटनिंग हो तो एक एक्सपीरियंस्ड ऑकोलॉजिस्ट ऐसा है जो इन साइड इफेक्ट्स को कैच कर सके और टाइम पे ट्रीट कर सके और एक विजिलेंट पेशेंट ऐसा है जो टाइम पे इन साइड इफेक्ट के सिम्टम्स को अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करे ताकि उनका टाइमली ट्रीटमेंट हो सके तो आज के दिन हम डिस्कस करेंगे इम्यून रिलेटेड एडवर्स इवेंट्स के सारे पहलू सच एज नंबर वन इम्यून रिलेटेड एडवर्स इवेंट्स इम्यूनोथेरेपी से कैसे रिलेटेड होते हैं नंबर टू इम्यून रिलेटेड एडवर्स इवेंट्स में कौन से एडवर्स इवेंट है जो कॉमन होते हैं नंबर थ्री कौन से इम्यून रिलेटेड साइड इफेक्ट्स हैं जो रेयर होते हैं पर सिवियर हो सकते हैं और लाइफ को डेंजर में डाल सकते हैं नेक्स्ट यदि इम्यून रिलेटेड एडवर्स इवेंट्स किसी पेशेंट को होते हैं तो डॉक्टर की क्या ड्यूटी है उसको कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए और नेक्स्ट क्या इम्यून रिलेटेड एडवर्स इवेंट्स इतने सीरियस हो सकते हैं कि पेशेंट के लाइफ को कोई रिस्क हो सकता है तो आज हम इस वीडियो में एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे तो सबसे पहले एक रिकैप करते हैं कि इम्यूनोथेरेपी से हमारा तात्पर्य क्या है तो फ्रेंड्स इम्यूनोथेरेपी एक ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज है जिनका सबका बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को कैंसर सेल को पहचानने के काबिल बनाता है ताकि इम्यून सिस्टम जाकर उस कैंसर सेल को किल कर दे और इससे लॉन्ग टर्म पेशेंट की सर्वाइवल में और आउटकम में इंप्रूवमेंट हो तो इम्यूनोथेरेपी में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आज के दिन अवेलेबल है पर सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जो नाइन्टी में यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं चेक पॉइंट ब्लॉकर तो फ्रेंड्स चेक पॉइंट ब्लॉकर कुछ स्पेशल दवाइयाँ होती है जो बॉडी में दी जाती है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को काबिल बनाती है कि ट्यूमर सेल को बचाने और उसको किल कर दें और आज के दिन ये वाइडली अवेलेबल है और रेगुलर व्यूअर्स इस थेरेपी के बारे में अच्छी तरह जानते हैं जो पेशेंट इस थेरेपी से अनफेमुलियर है हमारे चैनल के दूसरे इम्यूनोथेरेपी वीडियोस को देख के इस थेरेपी के बारे में लर्न कर सकते हैं तो नेक्स्ट चीज़ क्या है कि यदि हमारे पास कोई पेशेंट आता है जिसमें हमें लगता है इम्यूनोथेरेपी की जरूरत है तो सबसे पहले कैंसर डॉक्टर उस इम्यूनोथेरेपी के लिए प्रिपरेशन क्या करता है यानी पेशेंट में हम क्या देखते हैं बिफोर गिविंग इम्यूनोथेरेपी और किस चीज़ से वेरीफाई करते हैं कि पेशेंट इम्यूनोथेरेपी के लिए फिट है तो कुछ दो तीन चीज़ें जब भी कोई पेशेंट में हम इम्यूनोथेरेपी प्लान करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नंबर वन हम देखते हैं कि पेशेंट फिट कितना है और डिजीज़ बर्डन कितना है तो जिन पेशेंट में बॉडी फिट है और बॉडी तंदुरुस्त है उनमें मच बेटर चांस है कि इम्यूनोथेरेपी काम करेगी और इम्यूनोथेरेपी के मेजर साइड इफेक्ट पेशेंट सफर नहीं करेगा कंपेयर टू वो पेशेंट जो बहुत कमजोर है जैसे फॉर एग्जाम्पल पेशेंट व्हील चेयर पर है या बिस्तर पर है या बॉडी बॉड -बोड़ वीक है ट्यूमर का मास बहुत ज़्यादा है इन पेशेंट में जनरली इम्यूनोथेरेपी का फ़ायदा कम होता है नुकसान का रिस्क ज़्यादा होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेशेंट की फिजिकल फिटनेस और जनरल फिटनेस देखते हैं कि पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए बॉडी उसकी प्रिपेयर या रेडी है या नहीं सेकेंड कुछ वेरियस ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट होते हैं देखने के लिए कि पेशेंट के बॉडी के इंटरनल ऑर्गन कैसे हैं तो डिपेंडिंग ऑन पेशेंट एवरी ट्यूमर देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट विच आर डन बट कॉमनली टेस्ट जो दिए जाते हैं वो होते हैं हेमाटोलॉजिकल यानी प्लेटलेट वाइट सेल रेड सेल लिवर फंक्शन किडनी फंक्शन थाइरॉयड प्रोफाइल यूरिन रूटीन और कुछ पेशेंट में स्पेशलाइज टेस्ट और किए जाते हैं देखने के लिए कि इम्यूनोथेरेपी से देने से पहले पेशेंट के इंटरनल ऑर्गन स्टेटस फिट है क्या और पेशेंट को इम्यूनोथेरेपी से हार्म होने का कोई प्री एग्जिस्टिंग रिस्क तो नहीं है नंबर थ्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑटो इम्यून डिजीज के लिए पेशेंट को स्क्रीन करना होता है तो देखो चूंकि दोस्तों इम्यूनोथेरेपी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है यदि पेशेंट को कोई ऑटो इम्यून प्रॉब्लम पहले से है तो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम के कॉमन एग्जाम्पल होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस क्रन्स डिजीज सिस्टमिक ल्यूपस योग्रेन सिंड्रोम इत्यादि uh, स्क्लेरोडर्मा बहुत सारी अलग बीमारियाँ होती है जिनका बेसिक कोर आइडिया होता है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम ऑलरेडी बॉडी का नॉर्मल ऑर्गन को अटैक करके डैमेज कर रहा होता है तो हालांकि ये बीमारियाँ बहुत कॉमन नहीं है हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि इन बीमारियों के लिए डॉक्टर चेक करें और जिन पेशेंट्स को यह बीमारी है उनमें यूजली इम्यूनोथेरेपी को बहुत ही सावधानी से देना चाहिए या अगर एक्टिव बीमारी तो कई बार इम्यूनोथेरेपी हम नहीं भी देते हैं तो ये हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पेशेंट को कोई प्री एग्जिस्टिंग ऑटो इम्यून डिजीज़ ना हो और सिर्फ इन्हीं पेशेंट्स को इम्यूनोथेरेपी यूजुअली दी जाती है तो नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि इम्यूनोथेरेपी के कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या है तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं एक चीज़ बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि इम्यूनोथेरेपी एक टॉक्सिक ट्रीटमेंट नहीं है और यदि हम क्लासिकल कैंसर ट्रीटमेंट जैसे कीमोथेरेपी से इम्यूनोथेरेपी को कंपेयर करें तो आराम से कीमोथेरेपी पर जो साइड इफेक्ट का रेट है वो इम्यूनोथेरेपी से दस से बीस गुना ज़्यादा है तो डेफिनेटली इम्यूनोथेरेपी कीमोथेरेपी से कम्पेयर्ड मथ सेफर प्रोटोकॉल है पर इम्यूनोथेरेपी में जो साइड इफेक्ट्स होते हैं दे आर वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द साइड इफेक्ट जो हम कीमोथेरेपी में देखते हैं तो कॉमनली कीमोथेरेपी में साइड इफेक्ट हम देखते हैं जैसे कि हेयर लॉस नोजिया वॉमिटिंग मुंह में छाले सीवियर थकान वेट लॉस ये इम्यूनोथेरेपी में कम कॉमन होते हैं तो इम्यूनोथेरेपी में कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जो रिलेटिवली कॉमन है पर यूजली माइल्ड होते हैं इन कॉमन साइड इफेक्ट्स में आता है सबसे कॉमनली फटीग यानी थकान की फीलिंग कुछ द हल्के दस्त फ्यू लूज मोशंस स्किन का कलर चेंज होना है स्किन पे कोई निशान रैश आना और हार्मोनल चेंजेस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हाइपोथायरॉयडिज्म तो बहुत ही कॉमनली हम देखते हैं कि जो पेशेंट इम्यूनोथेरेपी ले रहे होते हैं उनका थायराइड फंक्शन लूज जाता है उनको हम थायराइड की दवाई देनी पड़ती है उस थायराइड फंक्शन को रिस्टोर करने के लिए इन एडिशन अराउंड वन परसेंट पेशेंट में जब इम्यूनोथेरेपी की दवाई बॉडी में दी जाती है तो ठंड लगना चिल्स या एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है विच इज़ वाई इम्यूनोथेरेपी की दवाई हमेशा एक अच्छे सेटअप में दी जानी चाहिए जहाँ पे सारी प्रिकॉशंस अवेलेबल हो कि पेशेंट को कोई भी रिएक्शन हो तो उसको इमिजिएटली रेस्क्यू किया जा सके तो कॉमन साइड इफेक्ट्स यूजली इम्योनोथेरेपी के यही होते हैं जो कि करीबन 30 से 40 परसेंट पेशेंट में होते हैं और यूजली ये कॉमन साइड इफेक्ट्स माइल्ड होते हैं और इजिली मैनेजेबल होते हैं और इनके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट यूजली रिक्वायर्ड नहीं होती एज नंबर ऑफ साइकल्स और इम्योनोथेरेपी इंप्रूवस इंक्रीजेस इनमें से बहुत सारे कॉमन साइड इफेक्ट इंप्रूव अपने आप हाँ हो जाते हैं और पेशेंट को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती तो नेक्स्ट बात करते हैं इम्यूनोथेरेपी के सिवियर साइड इफेक्ट्स के बारे में तो जैसे मैंने वीडियो के शुरू में डिस्कस किया था इम्यूनोथेरेपी कुछ पेशेंट्स में सिवियर या लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट भी कॉज कर सकती है तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आज के दिन जो इम्यूनोथेरेपी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसमें सिवियर साइड इफेक्ट का रिस्क इज नॉट मोर देन फाइव परसेंट ऑफ पेशेंट्स तो टिपिकली बीस में से एक पेशेंट में सिवियर साइड इफेक्ट इम्यूनोथेरेपी से हो सकते हैं और इन साइड इफेक्ट्स में जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं वो होते हैं निमोनिया यानी फेफड़े में सूजन डायरिया यानी आंत में सूजन हेपेटाइटिस यानी लिवर में सूजन एंडोक्रानोपैथी यानी हार्मोन प्रोड्यूस करने वाले वेरियस ऑगर में सूजन जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है बॉडी में इंसुलिन की कमी जिससे एक नॉन डायबिटिक पेशेंट डायबिटिक में कन्वर्ट हो सकता है और हाइपोकॉर्टिसोलिज्म दो बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसको कॉर्टिसोल बोलते हैं जो एक स्ट्रेस हार्मोन होता है और इस हार्मोन की कमी से पेशेंट को लो बीपी सिवियर थकान उल्टी और इससे रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं तो दीज आर कॉमन सिवियर साइड इफेक्ट्स ऑफ इम्यूनोथेरेपी जो सिर्फ 5 परसेंट पेशेंट में होते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट इन साइड इफेक्ट्स को टाइम से कैच करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो यदि हम बात करते हो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली ये है कि मान लो सर किसी को इस तरह का सिवियर साइड इफेक्ट होता है तो उसका रीजन क्या है तो फ्रेंड्स इसका रीजन मेनली ये है कि इम्यूनोथेरेपी जब हम बॉडी को देते हैं हालांकि इम्यून इम्यूनोथेरेपी एक बहुत ही स्पेसिफिक कैंसर ट्रीटमेंट है और इसका मेन असर कैंसर सेल पे ही होता है कुछ बाईपास इफेक्ट नॉर्मल सेल पे भी हो सकता है तो इन सारे साइड इफेक्ट का जो प्राइमरी कॉज ये होता है वो ये होता है कि इम्यून सिस्टम कैंसर सेल के अटैक करने के अलावा बॉडी के नॉर्मल सेल्स को भी अटैक कर करने जाता है इसकी वजह से ऑटो इम्यून यानि इम्यून रिलेटेड साइड इफेक्ट्स पेशेंट को होने लग जाते हैं और इसका जो मेन कॉज होता है वो यही यह होता है कि इम्यून सिस्टम का एक्टिवेशन जो नॉर्मल सेल्स को डैमेज कर सकता है तो प्रैक्टिकली जो सिवियर साइड इफेक्ट हम कॉमनली देखते हैं वो यही है जो मैंने बताया बट थ्योरेटिकली बॉडी के सर के बाल से लेकर पैर के नकून तक किसी भी ऑर्गन में इम्यून रिलेटेड साइड इफेक्ट हो सकते हैं चाहे वो हार्ट फेलियर हो चाहे वो किडनी फेलियर हो चाहे वो लिवर फेलियर हो चाहे वो बोन डिसफंक्शन हो चाहे वो हार्मोनल डिसफंक्शन हो चाहे वो आंखों में डैमेज हो चाहे कुछ भी हो हालांकि इंडिविजुअली इच साइड इफेक्ट इज वेरी वेरी रेयर पर थ्योरेटिकली एवरी ऑर्गन कैन गेट डैमेड विद इम्यूनोथेरेपी एंड डॉक्टर ने बी वेरी वेरी विजिलेंट ताकि कोई भी इम्यून रिलेटेड साइड इफेक्ट हो उसको टाइम पे कैच करके ट्रीट किया जा सके तो नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं कि इम्यून रिलेटेड साइड इफेक्ट्स का ट्रीटमेंट क्या है तो जैसे मैंने डिस्कस किया इम्यून रिलेटेड साइड इफेक्ट्स का जो प्राइमरी कॉज है वो बॉडी का इम्यून सिस्टम है जो ओवर एक्टिवेट होकर बॉडी के नॉर्मल ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देता है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इम्यून रिलेटेड साइड इफेक्ट को यदि हमें ट्रीट करना है तो हमें बॉडी की इम्यूनिटी को कम करना पड़ेगा यानी कि जो हम ट्रीटमेंट से अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं हमें उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा और बॉडी के इम्यून सिस्टम को दबाना पड़ेगा और यूजुअली इसका जो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है उसको हम बोलते हैं स्टेरॉइड्स तो दोस्तों स्टेरॉयड्स कुछ गोलिया और इंजेक्शन होते हैं जैसे वाइसोलोन ओमनाकोटल हाइड्रोकोटिसोन प्रेडनिसलोन मिथाइल प्रेडनीसलोन डेक्सामेथासोन बीटा मेथासोन एट्सेट्रा और ये सारी दवाइयों का एक ही फंक्शन है ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को दबाती है और जब भी हम पेशेंट को देखते हैं कि पेशेंट को इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है पॉइंट दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है इमिजिएट रिकॉग्निशन फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को यदि निमोनिया की तरह पेशेंट जा रहा है तो निमोनिया फुली डेवलप होने से पहले यदि डॉक्टर्स को पहचान लेगा और टाइम से स्टोरेटे के ट्रीट कर देगा तो मेजोरिटी ऑफ पेशेंट इस प्रॉब्लम से कम्प्लीटली रिकवर हो जाएंगे पर एक बार निमोनिया वेल एस्टैब्लिश हो गया पेशेंट की सांस फूल रही है पेशेंट को खांसी बढ़ रही है पेशेंट को परेशानी हो रही है उस पॉइंट पर यदि हम ट्रीट करते हैं तो ट्रीटमेंट बिकम्स मोर डिफिकल्ट तो अर्ली रिकोग्निशन एंड टाइमली ट्रीटमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल इम्यून रिलेटेड साइड इफेक्ट्स और इम्पॉर्टेंट गोल ये है कि कोई भी इम्यून रिलेटेड साइड इफेक्ट अगर पेशेंट को डेवलप हो रहा है उसको टाइम से कैच करके स्टेरॉयड से ट्रीटमेंट शुरू करना है ताकि पेशेंट का इम्यून सिस्टम दब जाए और नॉर्मल ऑर्गन को डैमेज इनिबिट हो जाए इन एडिशन टू स्टेटेयड कुछ स्मॉल परसेंटेज ऑफ पेशेंट होते हैं जिन्हें एडिशनल ड्रग्स की जरूरत होती है बॉडी के इम्यून सिस्टम को दबाने के लिए जैसे कि इन्फ्लेक्सीमैब रिटोक्सीमैब रुक्सोलिटिब इत्यादि तो ये कॉम्प्लिकेटेड एरिया है जिसमें मैं डिटेल में नहीं जा सकता पर कुछ पेशेंट जिनका ट्रीटमेंट स्टोरॉयड से सफिशेंटली नहीं हो पाता उनमें नेक्स्ट जनरेशन इम्यूनो सप्रेसेंट्स की भी जरूरत पड़ती है और उन दवाइयों को यूज़ करके इम्यून सिस्टम को दबा के पेशेंट को सैलवेज किया जा सकता है तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एज अ पेशेंट आप पूछ सकते हैं वो ये होता है कि सर मान लो किसी को इम्यूनिटी साइड इफेक्ट हो गया और आपने पेशेंट को स्टेरॉयड से ट्रीटमेंट गया तो ऐसा तो नहीं कि स्टोरॉयड की वजह से इम्यूनिटी दबने की वजह से कैंसर वापस आ जाएगा और पेशेंट की लाइफ को डेंजर पड़ जाएगा तो ये बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है और लॉजिकल थाट है पर इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है नंबर वन यूजली जो इम्यूनोथेरेपी के ड्रग्स है इनका लॉन्ग लास्टिंग असर होता है बॉडी में और टिपिकली एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ स्टोरॉयड से यूजली ऐसा नहीं होता है कि इम्यूनोथेरेपी का असर बिल्कुल एलिमिनेट हो जाता है और कई पेशेंट एक बार उनकी इम्यूनोथेरेपी का साइड इफेक्ट रिकवर हो जाए उनमें इम्यूनोथेरेपी रिस्टार्ट भी कर सकते हैं और बीमारी को फिर से कंट्रोल में लाया जा सकता है दूसरा कुछ पेशेंट्स में ऐसा भी देखा गया है कि यदि पेशेंट को माइल्ड इम्यूनोथेरेपी साइड इफेक्ट हो रहा है जिसमें स्ट्रॉइड की जरूरत नहीं है उन पेशेंट का सर्वाइवल और आउटकम एक्चुअली मच बेटर है कंपेयर टू दोस्त पेशेंट जिनमें कोई इम्यूनोथेरेपी साइड इफेक्ट नहीं हुआ उसका बेसिक रीजन ये है कि यदि पेशेंट को इम्यून साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो ये प्रूफ है कि दवाई की वजह से इम्यून सिस्टम एक्चुअली एक्टिवेट हो रहा है और ये एक्टिवेटेड इम्यून सिस्टम नॉर्मल सेल को भी इफेक्ट कर रहा है ट्यूमर को भी इफेक्ट कर रहा है तो जो आइडियल सिचुएशन हम चाहते हैं वो चाहते हैं कि पेशेंट को थोड़े बहुत इम्यून साइड इफेक्ट हो जैसे खुजली हो थोड़ा रैश हो एक आध लूज टूल हो थोड़ी थकान हो हम चाहते हैं कि पेशेंट को थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हो पर इतने साइड इफेक्ट ना हो कि पेशेंट को सिवियर टॉक्सिलिटी हो और हमें स्टोरइड देना पड़े तो आइडियल इम्यून रिलेटेड सिनेरियो वो है कि पेशेंट को इम्यूनोथेरेपी काम करे उनको थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हो पर इतने साइड इफेक्ट ना हो कि वो ऑर्गन्स को डैमेज शुरू करना कर दे और हमें स्टोराइड देना पड़े तो फाइनली एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कभी कभी पेशेंट पूछते हैं वो ये है कि क्या इम्यून रिलेटेड साइड इफेक्ट्स इतने सिवियर हो सकते हैं कि उससे पेशेंट की डेथ हो जाए तो फ्रेंड्स मैं री करना चाहूँगा कि इम्यूनोथेरेपी मोस्टली एक हाईली सेफ थेरेपी है इम्यूनोथेरेपी से जान को खतरा बहुत ही बहुत लो माना जाता है इन एक्सपीरियंस हैंड्स तो यही की पॉइंट है जो हम हर इम्यूनोथेरेपी के वीडियो में कवर करते हैं कि इम्यूनोथेरेपी इज सेफ इन एक्सपीरियंस हैंड्स यदि कोई पेशेंट यदि कोई डॉक्टर इम्यूनोथेरेपी के सही इस्तेमाल को नहीं जानता अर्ली इम्यून साइड इफेक्ट्स के रिस्क को इग्नोर करे इम्यूनोथेरेपी का जो साइड इफेक्ट्स टाइम पे कैच ना करे टाइम से ट्रीट ना करे तो कुछ केसेस में हमने कई बार देखा है कि इम्यूनोथेरेपी के साइड इफेक्ट इन एक्सपीरियंस हैंड में इतने सिवियर हो सकते हैं कि वो पेशेंट की जान को खतरे में डाल दे तो हालांकि इम्यूनोथेरेपी से डेथ इज़ वेरी वेरी रेयर इन एक्सपीरियंस हैंड्स ये गुड आउटकम एक अच्छा मेडिकल अंकोलॉजिस्ट ही दे सकता है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यदि पेशेंट कैंसर के लिए इम्यूनोथेरेपी अंडरगो कर रहा है तो उस एक अच्छे एक्सपीरियंस मेडिकल अंकोलॉजिट से मिलना चाहिए और सिर्फ उसकी सुपरविजन में ही अपनी इम्यूनोथेरेपी करानी चाहिए तो विद दैट वी एंड टूडेज वीडियो एंड आई होप ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव और यूजफुल रहो तो इम्यूनोथेरेपी कैंसर के ट्रीटमेंट का एक बहुत मेजर एडवांस है और इसके जैसे कई कैंसर एडवांसेस की डिटेल्स हम टाइम टू टाइम तो अपने वीडियोज में डिस्कस करते हैं और हमारा गोल ये है कि वर्ल्ड का बेस्ट और लेटेस्ट कैंसर थे थेरेपी थे हमारे इंडियन पेशेंट्स अपनी भाषा में अचीव कर पाए और अच्छा आउटकम पाए तो इस मिशन में जुड़ने के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें ये वीडियो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक से डील करता है आइडियली ये एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ा स्पेशलिस्ट और स्पेशलाइज टॉपिक है पर ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें रोज़ पेशेंट से डिस्कस करनी पड़ती है तो मुझे लगा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को इसके बारे में थोड़ी जानकारी एक सेट फॉर्मेट में दी जाए यदि वीडियो के दी इन्फॉर्मेशन के अलावा आपके माइंड में कोई डाउट या सवाल है तो इमीजिएटली आप मुझसे पूछ सकते हैं वीडियो कमेंट्स में डाल सकते हैं स्क्रीन पे डिस्प्ले सोशल मीडिया लिंक से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर रीजनेबली गुड टाइम पे आपको मिल जाए और एडिशनली यदि इम्यूनोथेरेपी रिलेटेड टॉपिक से आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को विजिट करके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं और इस टॉपिक के बारे में और जान सकते हैं तो आज के लिए इतना ही जल्दी आपसे जुड़ेगा एक बहुत इन्फॉर्मेटिव नई वीडियो के साथ थैंक यू